Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the paeds infectious disease rheumatic fever from Ahmed Hassan. इसमें बेसिकली क्या होता है कि डिलेड नॉन सेपरेटिव सिक्वेले टू स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. ठीक है, जब भी सोर थ्रोट होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, तो जब इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और इसके एंटीजन एक्ट करते हैं अगेंस्ट द जॉइंट्स, हार्ट और स्पॉन्टेनियस टिश्यू CNS एंड द ब्लड वेसल्स, स्किन इन्फेक्शन लेस लाइकली टू प्रोड्यूस रूमेटिक फीवर. इसमें एज जो है इसका MCQ ज़्यादा है 5 से 15 ईयर पे. जेंडर की कोई प्रेफरेंस नहीं है. फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, सीजन विंटर या स्प्रिंग हो सकता है. पॉवर्टी, ओवरक्राउडिंग, रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. इसका मैकेनिज्म यही है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है. एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकस, क्रॉस चेक करती है हार्ट के साथ, सिनोवियल टिश्यू और ब्रेन के साथ. एंटीबॉडीज परसिस्ट इन द सीरम ऑफ तेरिसा. अगर एंटीबॉडी परसिस्ट करेगी तो ये वॉल्वर इन्वॉल्वमेंट के अगेंस्ट भी करती है. अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं. टू टाइप्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के, एक्सुडेटिव और प्रोलीफरेटिव. जो एक्सुडेटिव होते हैं वो जॉइंट में, प्रोलीफरेटिव हार्ट के अंदर. हार्ट में एंडोकार्डाइटिस होते हैं, मेनली इफेक्ट करते हैं माइट्रल और एओर्टिक वॉल को. हाइपरीमिक हो जाते हैं, एडिमेटस और इनफिल्ट्रेटेड हो जाते हैं. एडियन हो जाती है कस्प की, फाइब्रोसिस और स्कारिंग. स्मॉल वेजिटेशन बन जाती है जिसे प्लेटलेट थ्रोम्बाई भी कहते हैं. उसमें राउंड सेल इनफिल्ट्रेशन होती है, स्वेलिंग, फाइब्रिनस एक्सुडेट होता है. पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एस्काफ नोड्यूल्स बन जाते हैं, क्लासिकल फीचर. सबकुटेनियस टिश्यू में रूमेटिक नोड्यूल्स. क्लिनिकल फीचर्स अब इसके देखें. फेरेंजाइटिस जो है 1 से 5 वीक के बाद रूमेटिक फीवर कॉज कर देगा. एक्यूट में आर्थराइटिस प्रेजेंटिंग फीचर होती है. ग्रेजुअल अगर प्रेजेंट करे इट्स मीन कार्डाइटिस है. फीवर प्लस स्वेटिंग प्लस इजीली फटीग और एक्सम इट्स मीन पॉलीआर्थराइटिस. अब हमने इसका क्राइटेरिया याद रखने से डोके जोन क्राइटेरिया भी कहते हैं. इसको हमने जोन से याद रखना. मेजर के अंदर जॉइंट्स, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, हार्ट के अंदर पेरिकार्डाइटिस, नोड्यूल्स में सबकुटेनियस नोड्यूल, एरिथेमा मार्जिनेटम और सिडेनहम कोरिया. माइनर के अंदर फीवर, आर्थ्रेल्जिया, एक्यूट फेज रिएक्टेंट पॉजिटिव होते हैं और पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है. ईसीजी इकोकार्डियोग्राम पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का एविडेंस अगर हम कल्चर लें और एंटीजन देखें और एंटीबॉडी राइज हो. अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे मेजर क्राइटेरिया को. पॉलीआर्थराइटिस में पेनफुल जॉइंट्स होते हैं, माइग्रेटरी होते हैं, अफेक्टेड जॉइंट इंप्रूव करता है. एक जॉइंट इंप्रूव करने लगता है कि दूसरा फिर से अफेक्ट हो जाता है. हॉट, रेड, स्वेलन, टेंडर जॉइंट्स होते हैं, पेनफुल टू मूव, रिस्पॉन्ड टू सेलिसाइलेट. हार्ट में पल्पिटेशन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, इट्स मीन कार्डियोमेगाली. अगर तो एपिकल सिस्टोलिक मर्मर होगा जो कि एक्सिला की तरफ मूव करेगा, साथ में मफल फर्स्ट हार्ट साउंड होगी, थर्ड हार्ट साउंड, इट्स मीन माइट्रो इनसफिशिएंसी है. अगर माइट्रो लीफलेट पे नोड्यूल्स बनेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, कैरेकोम मर्मर. इसे मिड डायस्टोलिक मर्मर भी कहते हैं. इसके अलावा एओर्टिक वल्वलाइटिस के अंदर क्या होता है, हाई पिच अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है. पेरिकार्डियल रब जो होगी या फिर कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर और पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी. व्हेन द फीवर सबसाइड बट द साइन, अगर तो जो फीवर है वो तो खत्म हो रहा है लेकिन वॉल्वर डैमेज के साइन अभी भी मौजूद है, इट्स मीन रूमेटिक हार्ट डिजीज. सो जो सबकुटेनियस नोड्यूल्स होते हैं ज़्यादातर एक्सटर्नल सर्विस पे और बोनी प्रोमिनेंस पे बनते हैं. एरिथेमा नोड्यूल्स हम इसके अंदर रेज रेड में क्यूज होते हैं जो कि क्वेल्स और ओवरलैप करते हैं ट्रंक पे और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्स पे होते हैं. सिडेनहम कोरिया जो है ये इसकी लेट मैनिफेस्टेशन होती है. इसमें बेसिकली जर्की पर्पसलेस नॉन रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं लिम्स में. गेट इरेगुलर होता है, स्पीच टेरियर और येट हो जाती है और हैंड राइटिंग. हाइपोटोनिया होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी और फ्लेक्शन होगी एट द रिस्ट और डोर्सल फ्लेक्शन होगी एट द फिंगर्स. अब हमने इसे डायग्नोज कैसे करना होता है. सबसे पहले तो हम ESR करवाएंगे, वो नॉन स्पेसिफिक इंडेक्स है लेकिन इससे हमें पता चल जाएगा कि एनीमिया की वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. CRP जो है ये एक्टिव डिजीज़ में इंक्रीज होगा. ASO टाइटर जो है ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के अंदर. NTDNA और NT-glucuronidase भी इंक्रीज हो जाती हैं. थ्रोट स्वैप कल्चर पॉजिटिव आएगा. ब्लड में HB कम हो जाएगा, न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे. ECG पे PR इंटरवल 0.8 सेकंड से ज़्यादा होगा. सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, क्विट इंटरवल प्रोलॉन्ग और कार्डियोमेगाली मिलेगी चेस्ट एक्सरे पे. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पे हम वॉल्वर वॉल के फंक्शन को देखेंगे. DDs के अंदर बिस्किन जो DDs हैं उसमें जो विनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ सकता है, SLE, हीनोक्सोनेट परपरा, बैक्टीरिया आर्थराइटिस, एक्यूट लिकीमिया और इनोसेंट मर्मर विद फेब्राइल इलनेस. अब इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना वो पेंसिलिन होती है. वैसे तो अगर तो आर्थराइटिस है तो ये 1 से 2 वीक में बेड रेस्ट से ठीक हो जाता है. कार्डाइटिस में भी 2 से 4 वीक्स लगते हैं. स्वेयर कार्डाइटिस हो तो इसको सेवरल मंथ्स लगते हैं. एंटीबायोटिक इसके अंदर बेंजाइल पेंसिलिन देते हैं, इंट्रामस्कुलर 6 से 12 लाख यूनिट्स. अगर तो एलर्जिक होगी तो एरिथ्रोमाइसिन देंगे. ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं. इसके अंदर एस्पिरिन बेसिकली इंप्रूव करती है आर्थराइटिस को और इसकी टॉक्सिसिटी की होती है कि GIT डिस्टर्बेंस कॉज करती है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर मॉडरेट हो स्वेयर कार्डाइटिस हो तब यूज़ करते हैं. कोरिया का ट्रीटमेंट है हैलोपेरिडोल, सेलिसाइलेट. हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट है स्टीरोइड, डायूरेटिक्स, डिजोक्सिन. साल्ट जो होते हैं वो इसमें रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. अगर तो माइल्ड या प्लस क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो एस्पिरिन दे देंगे. स्वेयर कार्डाइटिस है तो स्टीरोइड्स. अनरिस्पॉन्सिव है तो रिप्लेसमेंट कर देंगे कार्डिक वॉल्व की. प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी, इसमें थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस कब देते हैं, अगर तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस को. ठीक है, या तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस दे देंगे फॉर द ससेप्टेबल पॉपुलेशन. सेकेंडरी में ये होता है कि आपने रिकरेंस को प्रोवाइड करने के लिए कीमो प्रोफाइलेक्सिस दे रहे हैं. बेंजाथाइन पेंसिलिन, ओरल पेंसिलिन भी दे सकते हैं. अगर एलर्जी है तो एरिथ्रोमाइसिन. इसका शेड्यूल ये, अगर तो नो, अगर कार्डाइटिस नहीं है तो 5 और 21 ईयर याद रखने हैं आपने. 5 ईयर एज पे और 21 पे. कार्डाइटिस है लेकिन रेसिडुअल डैमेज नहीं है तो अप टू 21 ईयर्स और कार्डिक डैमेज है तो आपने लाइफ टाइम के लिए देना. अब इसके UQs देखते हैं. यहाँ पे देखिए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट इन अ पीडियाट्रिक इमरजेंसी, ब्रेथलेसनेस है, 1 ईयर फीवर फॉर द 5 डेज, कंप्लेन कर रहा है पल्पिटेशन की, डिफिकल्टी इन लाइंग डाउन, सोर थ्रोट है, ही वाज़ दैट एक्विनिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट रेट 120 पर मिनट है, बीपी
हंड्रेड बाई सेवेंटी है। इसके अलावा फर्स्ट हार्ट साउंड सॉफ्ट है, पेन सिस्टोलिक मर्मर है, बायलेटरल क्रेपिटेशन है, जॉइंट्स नॉट स्वेलन ऑन पेनफुल फेम नोड्यूल्स है। इट्स मीन सारे फीचर ही वही आ रहे हैं। इट्स मीन रोमेटिक फीवर सबकोटेनियस नोड्यूल है, मर्मर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जॉइंट्स इन्वॉल्व है। डायग्नोस होने का हिस्ट्री की बेस पे यही जो मैंने आपको नोड्यूल्स बताए हैं और बाकी जो जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो सब लिख देंगे। इन्वेस्टिगेशन आपने यही बतानी है कि हम क्या करवाएंगे, ESR करवा के देखते हैं, थ्रोट कल्चर करवा के देखते हैं, ECG करवा के देखेंगे और ASO टाइटर। नेक्स्ट देखिए फॉर हाउ लॉन्ग विल यू की फॉर, अब प्रिवेंशन बतानी है यहाँ पे आपने कि प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे प्रोफाइलेक्सिस कैसे देते हैं। नेक्स्ट देखें ऑरली भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी। सेवन ईयर ओल्ड एडमिट बिकॉज ऑफ द जॉइंट पेन फॉर वन वीक ड्यूरेशन, पेन माइग्रेटेड फ्रॉम द राइट एल्बो, माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस होता है एक से दूसरे पर, इसके अलावा हॉट और टेंडर टू टच नीज। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी वही सेम बताएंगे, रोमेटिक फीवर स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट में आपने क्या देना है कि बेड रेस्ट देंगे, ठीक है, उसके बाद हमने एंटीबायोटिक देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, माइग्रेटरी जॉइंट पेन है। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट में भी देखें उन्होंने, नेक्स्ट में इसमें साइन एंड सिम्टम्स पूछे हुए हैं तो आपने सारे बताने हैं। इसके अंदर कार्डाइटिस हो सकता है, माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस हो सकता है, कोरिया हो सकता है, सबकुटेनियस नोड्यूल्स हो सकते हैं, ये तो साइंस है ना। इसके अलावा सिम्टम के अंदर आप बताएंगे कि आर्थराइटिस का पेन होती है, इंटरमीडियंट फीवर होता है, स्वेटिंग होती है। नेक्स्ट इसके अंदर देखें जॉइंट पेन है प्लस पेन से सिस्टोलिक मर्मर हो सकता है, डायस्टोलिक मर्मर हो सकता है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा वट इज रोमेटिक फीवर, कार्डिक लियन, बॉडी लियंस हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन वही स्टेटमेंट ट्रीटमेंट भी वही बताएंगे, इसमें भी पेनफुल स्वेलिंग है, पेन सिस्टोलिक मर्मर है, एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट, हार्ट साउंड मफल है और पेनफुल जॉइंट है। मर्मर और जॉइंट्स दोनों बताएंगे, इट्स मीन हार्ट रोमेटिक हार्ट डिजीज। नेक्स्ट देखें विदर फीवर पेन एंड स्वेलिंग होता है राइट रिस्ट जॉइंट, एज अ मफल, इसमें भी मफल हार्ट साउंड है और पेन सिस्टोलिक मर्मर, इसमें भी डायग्नोज और कार्डिक लियन, कार्डिक लियन वही बॉडी लियन जो बन जाती है।